नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 10th of January है और थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का रहेगा। इसी के साथ राशियों की भी बात आज होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए क्या कुछ खास सावधानियाँ बरती जा सकती हैं, क्या कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए जाएँ जिसमें, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं, यानी कि घर में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के आंगन में आप ग्रीनरी ज़रूर बढ़ाएं, घर में आप पेड़ पौधों को ज़रूर लगाएं, उन्हें सींचे ज़रूर। और साथ ही में अगर आपका बुध ग्रह खराब है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ज़रूरी है कि सुबह उठ करके पेड़ों में पानी ज़रूर दें। इसके अलावा बात करें, अगर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब होता है, उन लोगों को लाल रंग के फल वाले पौधे या लाल रंग के फूल वाले पौधों को सींचना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जिस समय पर सूर्य की पहली किरण उगती है, उस समय पर आपको लाल रंग के फल या लाल रंग के फूल वाले पौधों को सींचना चाहिए। ऐसा करने से आप देखते हैं कि आपके जीवन में जो खासतौर पर सूर्य ग्रह की वजह से जो, या सूर्य कमज़ोर है, सूर्य बलवान नहीं है, इस वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं ये ख़त्म होती हैं। साथ ही में बात करी जाए, क्योंकि नया साल की शुरुआत भी हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान चेंज करने के बारे में सोचता है, तो ये समय ऐसा है, नया साल, नई एनर्जीज होती हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में पड़े हुए हैं, तो ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक तरीके का वास्तु दोष करते हैं। अगर आपके घर में ऐसे अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़े हुए हैं, या फिर वो बेकार हैं या ख़राब हैं, तो उन्हें तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। या अगर बेकार हो गए हैं, आपने अनयूज्ड चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ा रही हैं, इसीलिए उन्हें तुरंत आप लोग घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा बात करी जाए घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, तो आपको हमेशा वहाँ पर कुबेर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए। घर में अगर फाइनेंसेस से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, तो इस साल में आप लोग कुबेर भगवान की तस्वीर ला करके आप लोग ज़रूर लगाइए घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो चलिए, इन्हीं कुछ टिप्स के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आपकी राशियों की। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं 5 of Pentacles एंड द डेथ कार्ड, रिवर्स कार्ड, तो आज अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे फाइनेंसेस से जुड़े हुए लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को आज के दिन में इन्वेस्टमेंट प्लान से दूर रहना है। दूसरी चीज़, दूसरे के बहकावे में आकर भी कोई बड़ी डील फाइनलाइज नहीं करनी है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस मैटर्स को लेकर के जो डिसीजन आप खुद लेंगे, आपके लिए सही रहेगा। उपाय क्या करेंगे, आज थर्सडे का दिन है और आज केले के पौधे में दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। टॉरेंस की बात कर लेते हैं, 7 of Cups एंड द टेम्परेंस कार्ड निकल रहा है, तो आज कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे वृषभ राशि वालों को। हालांकि एक तरह का एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें कि आपके अंदर एक फियर भी है, साथ ही में आगे बढ़ने की चाहत भी है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज ये फियरफुल जो सिचुएशन है, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी। घर के छोटे बच्चों के साथ आज तालमेल बहुत अच्छा बनेगा आप लोगों का, साथ ही में घर के आपके, आपसे जो छोटे आपके भाई बहन हैं, उनका सपोर्ट भी आज आपको मिलेगा। माता पिता की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना लाभकारी रहेगा। तो जेमिनाइज की बात कर लेते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं 8 of Cups एंड 9 of Cups कार्ड निकलते हैं आपके लिए, तो आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है। आज आप एक तरह का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, काफ़ी आकर्षित लोग आपसे हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, 9 of Cups दैट मीन्स अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, की वजह से कहीं ना कहीं पर आपके जीवन में जो अभी तक के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से जो एक नेगेटिविटी बन गई है, एक जो नकारात्मक सोच बन गई है, आज आप पर हावी हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए, आज स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आज के दिन में दीप दान करना, किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के नाम से बेहद लाभकारी है। कर्क राशि कार्ड निकल रहे हैं 8 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों के लिए किसी नए कार्य की, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। हालांकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आज घर की महिलाएं जो हैं, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके लक फैक्टर से आज आपके कई सारे काम बन सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज नज़र आ रही हैं, स्वास्थ्य को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। उपाय की बात करी जाए, तो आज के दिन में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा है।
ये बात करेंगे सिंह राशि कार्ड्स निकल रहे हैं नाइन ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में सिंह राशि वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के साथ भी आप लोग वाद विवाद में नहीं पड़ें। इसके अलावा जो भी आपने कार्य पहले किए हैं उस पर दोबारा से एक रीथॉट ज़रूर दें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि पुरानी चीज़ें दोबारा से शुरू हो सकती हैं, नया बिज़नेस शुरू हो सकता है, पुराना चलता हुआ बिज़नेस जो किसी कारणवश बंद हो गया था वो दोबारा से शुरू हो सकता है। रिलेशनशिप पार्ट में चीज़ें बेहतरी की इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, हालाँकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आज दिन में क्लियर कर सकते हैं आप लोग। सिंह राशि वालों को आज के दिन में मिश्री का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं द लवर्स एंड द मैजिशियन। तो वर्गोज आज सोच समझकर ही कार्य करें, क्योंकि आज के दिन में कंफ्यूजन ज़्यादा रहेंगे आपके लिए। हालांकि आगे बढ़ने की जो एक अंदर से आपके लगन है वो काफ़ी हद तक आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लोग आपसे मदद के लिए सीख कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक तरीके का एक मैजिकल पावर्स आपके अंदर आज रहने वाली हैं जो लोगों को अट्रैक्ट तो करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अपनी तरफ से उतना इनपुट नहीं दे पाएंगे उनके कामकाज के लिए। उपाय की बात करी जाए तो आज तुलसी में दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतें खत्म होंगी। तुला राशि कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड टू ऑफ वांड्स। तो पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही है, लेकिन ये पार्टनरशिप्स जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाली हैं। तो आपको बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोचने समझने में आज हो सकता है वक्त आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स दैट मीन्स आज पैसे का प्रवाह, धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में जो फाइनेंसिस से जुड़ी हुई दिक्कतें चल रही थी आज के दिन में वो खत्म हो सकती हैं। घर के रिनोवेशन के ऊपर आप खर्चा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज तुला राशि वालों के लिए जरूरी है कि आप लोगों को यात्रा आज अवॉइड करनी है। इसी के साथ उपाय क्या करना है, मिश्री या सौंफ खा करके दिन की शुरुआत कीजिए। स्कॉर्पियोज के लिए कार्ड निकल रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्स एंड द टार। तो आप लोगों के लिए एक तरीके का ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें कि आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट्स उतनी जल्दी आपको नहीं मिल पाएंगे, यानी कि डिलेज वाली सिचुएशन या हॉल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें कि इंतज़ार आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। हालांकि आज के दिन में जितने भी आपके वेल विशर्स हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सेहत के प्रति आज चिंताएँ रह सकती हैं, बढ़ सकती हैं। उपाय क्या करना है, आज तांबे के किसी पात्र का मंदिर में दान करना है। बात करते हैं सैजिटेरियस और कार्ड्स निकल रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो आज काम में इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहेगी कि आप हो सकता है खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएं, और इस व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत के ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स दैट मीन्स पास्ट में जितनी मेहनत करी है आज उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन रिश्तों के लिहाज से कहीं ना कहीं पर उम्मीदें आपकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कोशिश कीजिए अपने पार्टनर्स की उम्मीदों को समझें के भी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। उपाय क्या करना है, आज किसी भी गौशाला में जाकर के सतनाजा दान करना आपके लिए लाभकारी है। मकर राशि टेन ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो देर इज़ अ कन्फ्यूजन किसी बात को लेकर के जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स तक पहुंच सकती है। तो आज किसी भी अपने लव्ड वन के साथ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पालेंगे। मकर राशि वाले जो लोग हैं आज मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है आप लोगों को, हालांकि रिजल्ट भी मिलेंगे लेकिन काफ़ी हद तक आज थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहेंगे आप उन रिजल्ट के साथ। लोगों के प्रति काफ़ी हद तक आप लोगों के व्यवहार से, उनके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज आपको माँ लक्ष्मी को सबसे पहले भोग लगाना है, या अग्यारी में आप लोग भोग लगा सकते हैं, और उसके बाद कोशिश करनी है कि आप लोगों को पंचमेवे की खीर का भोग लगाना है। कुंभ राशि की बात करते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आज सोच समझकर ही कार्य करें, कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए खर्चे इतना ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। तो हर चीज़ के लिए एक बैलेंस को मेंटेन रखें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि पैसे से जुड़ा हुआ लेनदेन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेनदेन आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, साथ ही में आप लोगों के लिए घर परिवार में भी मेल जोल बढ़ेगा, रिलेशनशिप पार्ट बेटर हो रहा है। उपाय की बात करें तो लाल रंग के कपड़ों का या लाल रंग की किसी भी चीज़ का आप लोगों को सेवन करना, लाल रंग की किसी मिठाई का सेवन करना, किसी फल का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा।
मीन राशि की बात कर लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो पाइसेंस के लिए आज बहुत सोच समझ कर ही आप लोग कार्य करें, क्योंकि आज का दिन जो है कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ लेकर के जाएगा, आपकी चीज़ों में वेरिएशंस लेकर के आएगा, और ये वेरिएशंस के साथ एडजस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आप सोचेंगे तुरंत मैं काम करूँ और तुरंत मुझे रिजल्ट मिल जाएँ, ये चीज़ आज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी के साथ रिलेशनशिप पार्ट में कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, तो आप अपनी बातों को समझिए। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है तो सॉरी बोलने में कोई किसी तरह का कोई हार्म नहीं है। उपाय क्या करना है, आज के दिन में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए आस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।